हमेशा मेरे ही बेटे के साथ ऐसा होता है। जो गुनाह उसने किया ही नहीं, क्यों उसे उसकी सजा मिलती है? Well, मासी, आप इन सभी सवालों के जवाब आप खुद उसी से क्यों नहीं पूछ लेती जो इस सब की जिम्मेदार है? वहीं रुक जाओ। खबरदार जो इस घर में एक कदम भी रखा तो। कोर्ट में और भी मजबूत सबूतों की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए आपका उसी घर में रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप वहां रहेंगी तो ये काम और भी आसान हो जाएगा और फिर उनकी मूवमेंट्स का भी हमें पता लगता रहेगा। इसकी हिम्मत। अरे मैं तो सोचती थी ये दिल की बहुत सीधी सादी लड़की है। God, बहुत हिम्मत है इसमें। अपने पति को तो बर्बाद कर ही चुकी है और अब मुंह उठाकर इस घर में वापस लौट आई है हम सबका दिल जलाने के लिए। क्या चाहती हो तुम कृपा? अंगद की पत्नी होने के नाते इस प्रॉपर्टी में हिस्सा? ये ऐसे नहीं मानेगी। देखो कृपा, मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुमने अंगद के साथ साथ मेरे पूरे परिवार को मुश्किलों में डाला है। आउट चिको, निकल जाओ इस घर से। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। देखो, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू नहीं करना चाहती। इस बात को ज्यादा बढ़ाओ मत और निकल जाओ। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसके लिए मुझे ये घर छोड़ के जाना पड़े। मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। देखती हो तुम कैसे नहीं जाती हो। अगर यही थप्पड़ आपने अपने बेटे को मारा होता तो आज वो वहां नहीं होता जहां है। कृपा, माफी मांगो नैना से। पर दादी, तुम्हें उससे इस तरह बात करने का कोई हक नहीं। और रही बात अंगद की, आज वो जिस हालत में है उसके जिम्मेदार तुम हो। अगर तुम उसे धोखा नहीं देती आज ये नौबत नहीं आती। सब आपकी वजह से हुआ है। अगर आपने उसे सर नहीं चढ़ाया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। लॉर्ड, जमानत के दौरान मिस्टर अंगद ने इंडिया छोड़ने की कोशिश की और इस बात के पूरे सबूत हैं हमारे पास। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट मिस्टर अंगद खन्ना पर झूठा इल्जाम लगा जा रहा है कि वो कंट्री से भागने की कोशिश कर रहे थे। प्रोसिक्यूशन के पास इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं है कि अगर मिस्टर अंगद खन्ना भागना ही चाहते थे तो फिर वो भागे क्यों नहीं, जबकि अथॉरिटीज को भी इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी। मिलॉर्ड, जवाब यह है कि मिस्टर अंगद खन्ना भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि अपने हनीमून पे जा रहे थे और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वजह से उनकी बेल कैंसिल हो सकती है। मिलॉर्ड, ये बात सिर्फ अदालत को गुमराह करने के लिए कही जा रही है।
इनके पास कोई भी सबूत? सबूत है मिलॉट। मिलॉट, कोई भी आदमी हनीमून पर अपनी बीवी के साथ ही जाएगा, इसीलिए मिस्टर अंगद खन्ना की बीवी मिसेस कृपा खन्ना उस वक्त उनके साथ थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मिलॉट कि अंगद की बीवी उसके साथ थी या नहीं। मेन पॉइंट इज कि अंगद ने अपने देश को छोड़ने की कोशिश की। ठीक है मिलॉट, मान लेते हैं कि प्रोसिक्यूशन जो कुछ भी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि मिस्टर अंगद खन्ना भागने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर वो भागे क्यों नहीं? मिलॉट, सच्चाई ये है कि जैसे ही मिस्टर अंगद खन्ना को एयरपोर्ट पे ये पता चला, उन्होंने अपना जाना कैंसिल करवा दिया। मिलॉट, मैं अपनी सबसे पहली विटनेस मिसेस नैना खन्ना को विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। ऑब्जेक्शन मिलॉट, विटनेस मुलजिम की मां है, इस वजह से उनकी गवाही वैसे ही शक के दायरे में आ जाती है। पर मिलॉट, हनीमून का प्लान सड़क पर या चौराहे पे खड़े होके किसी ऐरे गैरे के साथ नहीं बनाया जा सकता। अंगद की फैमिली वाज द सोल विटनेस व्हेन दिस प्लान वाज बीइंग मेड। पर मिलॉट, ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड, डिफेंस विटनेस को बुला सकते हैं, प्रोसिक्यूशन को भी जिरह का मौका दिया जाएगा। मिसेस नैना, आप कोर्ट को बताइए कि मिस्टर अंगद खन्ना कहां पर जा रहे थे। अंगद अपने हनीमून के लिए जा रहा था। कहीं इसी बहाने से मिस्टर अंगद खन्ना इंडिया से बाहर भागने की कोशिश तो नहीं कर रहे थे? जी नहीं, उसका ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। भला ऐसा वो क्यों करेगा? ऐसा करके तो उसका केस कमजोर हो जाएगा ना। हाँ, हनीमून के लिए अब्रॉड जाने के लिए कृपा ने इंसिस्ट किया था। पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉट, इट वॉज मिसेस कृपा खन्ना जिन्होंने ये ट्रिप सजेस्ट किया था। एक बात और, कृपा नहीं चाहती थी कि वापसी की तारीख तय हो। थैंक यू मिलॉट, योर वेटर्स प्लीज। नो क्वेश्चंस मिलॉट। This is clear now that Mr. Angad Khanna की कंट्री से बाहर जाने की कोई इंटेंशन नहीं थी। वो निर्दोष है। अदालत 20 मिनट के लिए मुलतवी की जाती है, उसके बाद प्रोसीडिंग शुरू की जाएगी। समझ में नहीं आ रहा कृपा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे कहने पर मैंने माने को इस केस में इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन अब वो लॉयर, अब उसने मामले तो और भी उलझा दिया है। अब देखो, आउट ऑफ द ब्लू शबीर अब तुम पे इल्जाम लगा रहा है और वो कुछ नहीं कर रहा। आप बता सकते हैं आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं अंगद को एक बार जेल हो चुकी है। अरे वो जेल से भाग भी चुका है, उसके बाद भी आप उसे गिल्टी प्रूफ करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं? आई डोंट अंडरस्टैंड। उल्टा बाप की वजह से कृपा को फ्रेम किया जा रहा है। कर क्या रहे हैं आप? मिस्टर पृथ्वी, ये केस इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। डोंट गिव मी दैट। अंगद के खिलाफ जो भी एविडेंसेस हैं वो सिर्फ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं, हमारे पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है। और रही बात कृपा जी की, अंगद के साथ रहने की वजह से कोर्ट इन्हें इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि जोश के मर्डर के दौरान भी और इंडिया छोड़ने की कोशिश के वक्त भी ये अंगद के साथ थी। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर ऐसा कुछ होता तो कृपा अंगद के खिलाफ प्रूफ नहीं ला कर देती। मिस्टर पृथ्वी, फैसला आपके सोचने से नहीं होता है। कृपा जी ने आपकी कंसर्ट के लिए गाया और वो भी उसी दिन जिस दिन उनके पति अंगद की भी कंसर्ट थी। इसे ये भी साबित हो सकता है कि पर्सनल और प्रोफेशनल डिफरेंसेस की वजह से शायद इन्होंने ही उन्हें फ्रेम करने की कोशिश की। मैं जानता हूं कि इस बात को साबित करने के लिए उनके पास कोई भी ठोस सबूत नहीं है, बट दे हैव लॉट ऑफ विटनेसेस। एनीवे, आई कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। ठीक है, आप कोशिश कीजिए, लेकिन एक बात समझ में आ जाए, कृपा को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ नहीं।
मैं कितना फिक्रमंद हो रहा था अंगद को लेकर। यकीन मानो जब से अंगद लौट कर आया है तब से हर पल मुझे यही डर सताता रहता था, न जाने कब पुलिस आएगी उसे पकड़ कर ले जाएगी। पर थैंक्स टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज तुम्हारी वजह से ना सिर्फ अंगद हमारे साथ है बल्कि मुझे इस डर से भी छुटकारा मिल गया। गॉड ब्लेस यू। ये तो ब्रेक आ गया, नहीं तो अंगद आज ही छूट जाता। मेरी तो यही कोशिश है कि अंगद को एक दिन भी जेल में ना रहना पड़े। पता नहीं बेटा ये सब क्या हो गया, शब्बीर ने तुम्हें इस केस में क्यों फंसा दिया? आई थिंक वो तुम्हारे जरिए पृथ्वी को टारगेट बनाना चाहता है। डोंट वरी मम्मी जी, मैं पृथ्वी को कुछ नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बहुत बड़े मत बनते हो ना अंगद, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो मुझे मारने की कोशिश करो। कम ऑन डैम इट, हिट मी इफ यू हैव द गट्स। औरतों की आर पे वार करना मर्दों का काम नहीं होता, जबकि तुम जानते हो कि कृपा ने कुछ नहीं किया। लॉर्ड, मैं अपने क्लाइंट मिस्टर अंगद खन्ना से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। इजाजत है। मिस्टर अंगद खन्ना, आप कोर्ट को बताइए कि क्या सबसे पहले मिसेस कृपा खन्ना ने आपकी और जोश की दोस्ती पर एतराज जताना शुरू किया? कृपा मेरे और जोश के बीच में कभी नहीं आई। अंगद, क्या कह रहे हो तुम? केस उल्टा पड़ जाएगा। जज साहब, मैं कन्फेस करता हूं कि हनीमून के बहाने मुल्क से बाहर भागने का प्लान मैंने ही बनाया था। जज साहब, मैं ये भी कबूल करता हूं, मैंने ही अपने दोस्त जोश का कत्ल किया था। जेल से भागने के बाद मैं जैद बन के रहा, और जब सब लोगों को पता चल गया कि मैं ही अंगद हूं, तो मैंने सोचा कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में यह साबित हो जाएगा कि मैंने ही जोश का कत्ल किया है, इसलिए मैंने मुल्क से भागने का प्लान बनाया। मिलॉर्ड, मेरा क्लाइंट इमोशनल होकर ये सब। अदालत डिफेंस को ताकीद करती है कि मुल्जिम को अपना कॉन्फेशन पूरा करने दिया जाए। मिस्टर अंगद खन्ना, आप जानते हैं कि यह बात आपके खिलाफ जा सकती है, क्या आप अपने लॉयर के जरिए अपनी सफाई देना चाहेंगे? जैसे मैंने आपसे पहले कहा, मैंने ही जोश कत्ल किया है, और उसके लिए मुझे जो भी सजा दी जाएगी मैं वो भुगतने को तैयार हूं। ये झूठ है जज साहब, अंगद झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, आप शांति से बैठिए वरना आपको बाहर भेजा जा सकता है। कैसा ये प्यार है,
मुलजिम के एक बालिये बयान से साबित हो जाता है कि ना केवल उसने अपने दोस्त का कत्ल किया है बल्कि जेल से भागकर खुद को छिपाने की कोशिश भी की है। इस बयान के बिना पर अदालत मुजरिम मिस्टर अंगद खन्ना को इंडियन पीनल कोड दफा 172, 192, 300 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। The court is adjourned for the day.